गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर पुराने वाला वीडियो नहीं देखे तो इधर इधर कहीं पे मैं आइकन डाल दूंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो में आ ही गए हैं तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए और उसको ग्रे बना दीजिए। एनीवे, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, है ना? आई नो आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा। तो ये जो है ये मेरा कबर्ड है, 3 मंजिला कबर्ड जिसमें 3 रैक है एक साइड, 3 रैक है उधर वाला दूसरे साइड। बट बात ऐसा है कि पूरा भर चुका है, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए। जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें से कपड़ा बाहर गिरने लगता है और हम उस कपड़े से दब के मर जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए। बस इसी पर्पज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने, होली का शॉपिंग। तो मेरा धनो रेडी है हम लोग को ले जाने के लिए, हेलमेट लगा लेते हैं, भाई ने तो चलान कर जाएगा फालतू का होली में। यूजुअल हम पहले निकल गए, लोग लेट आ रही है लड़ झगड़ के। लोग आ चुके हैं कपड़ा लेने, हम और ये गन्नू। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा मम्मी भी आई और राशन शॉप में गई है, क्योंकि होली का राशन तो लेना पड़ेगा ना, नहीं तो टेस्टी टेस्टी खाना कैसे बनेगा। क्योंकि दुकान पे, अरे ये नहीं, गलती से दिखा दिए इस दुकान में और उसके बाद हम लोग उस दुकान में जाएंगे अगर हमको कुछ मिला तो। हम एकदम राइट जगह पे शॉपिंग करने आए हैं, क्योंकि पता एक बार में मेरी मम्मी को तो कुछ पसंद नहीं आता, 4 दुकान घुमाएगी, तो अगर ये दोनों में पसंद ना आए तो सामने भी नहीं, नहीं अगर एनर्जी लो हो गया कपड़ा ढूंढते ढूंढते तो हम लोग पीछे वाले दुकान पे जाके जूस पी के अपना एनर्जी वापस से जूस पियेंगे अपना एनर्जी वापस से ठीक कर सकते हैं। और अगर फिर भी कपड़ा पसंद नहीं आया तो इस बगल में जो प्लास्टिक का दुकान है इसमें से मम्मी झाड़ू लेके हमको पक्का मारेंगे, इसीलिए कुछ ना कुछ पसंद कर ही लेंगे। तुम खाओगी मारे उस झाड़ू से, अरे ज़्यादा जूम हो गया, बड़ा धूप है यहाँ पे, जल्दी जल्दी आएगी तो फ्री का एसी का हवा तो लेंगे। में लगा मम्मी पहने, ओ आ गई नहीं अभी हम जाते, फिर हमको लगता कि क्या निकलवा लेकर जाके, तो तुम आ गई तो तुम्हारी साथ जाएंगे, बार्गेनिंग स्किल्स है ना तुम में। चलो इसको तो दिन में बाल संवारना है। आप अगर दुकान में आएंगे ना तो आपको कोई ना कोई आंटी मिलेगी जो आपको दिखा के अपनी बेटी के लिए कपड़ा खरीदेगी, ऐसे ही मेरे साथ हमेशा हो रहा है। हम सोच रहे हम यही ले लेते हैं गन्नो ये लेगी, इतना भी छोटा है नहीं, उसमें बड़ा दे देगा साइज, 2 सेल्स गर्ल गन्नो। गन्नू स्टार को ये कपड़ा पसंद आया बट हम लोग इसमें दूसरा कलर ढूंढ रहे हैं, इतना सारा कपड़ा निकलवाने के बाद भी अभी तक कुछ पसंद नहीं आते हुए ये दोनों को। इसका कपड़ा हम लोगों ने ले लिया, अब टास्क है मेरा कपड़ा, और कपड़ा भी हम दिखाएंगे नहीं, नहीं तो फिर होली में क्या देखेगा आप लोगों ने, क्या देखेगा फिर होली में, इसीलिए होली में देखेगा क्या कपड़ा लिया। हो गया फिट, अभी देंगे इतना बड़ा बड़ा नाखून, तो अभी तुम्हारे बहुत दिन है इस स्टॉक पूरा करने का। कपड़ा चेक, अब मेरा कपड़ा चेक करने जाते हैं दूसरे दुकान में, लोग अपना कपड़ा लेने आ गए दूसरे दुकान में। पुश पुल वाले गेट में हम हमेशा परेशान होते हैं कि इसको अंदर खोलना या बाहर, नीचे अंडरग्राउंड वाले शॉप में जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से साड़ी मिलता है एंड आई एम नॉट मैरिड येट टू वेयर साड़ी। दुकान बड़ा प्यारा है, हम लोग तो यहाँ के तो अब ये लेगी और मैं वीडियो का वो सामान लूंगा। पसंद आया इसको, लगाओ लगाओ दीदी, एक पसंद आया तो ये कन्फर्म थोड़ी के लिए थी, एक पसंद आया है और गाइस जो मैंने पसंद किया था वो नहीं लिया, हिंट हिंट हिंट। बैक होम और अभी हम अपने लिए कुछ नहीं लिए पर गन्नू अपने लिए ले लिया, देखते हैं हम कब कुछ लेता, तो चलते हैं अभी जाके कुछ खाते हैं। मैं तो घर आ चुका हूँ, मुझे को कुछ नहीं मिला कपड़ा, तो अब कल इस हंट को जारी रखूँगा और अपने लिए कल कपड़ा पक्का से खरीद के आएंगे।
हे गाइस, आज है डे टू मेरे शॉपिंग हंट का, क्योंकि कल मुझको कोई कपड़ा नहीं मिला था, तो हमको आज आके ढूंढना पड़ेगा कपड़ा। तो अभी मेरी मम्मी रेडी हो चुकी है आज मेरे से पहले, और हम भी रेडी हो चुके हैं, तो हम जल्दी से निकलते हैं और जाके देखते हैं कि हम आज क्या लेते हैं। हम वाइट कलर के कपड़े ढूंढने के चक्कर में पूरा मार्केट घूम लिए, पर वैसा वाइट कलर का कुर्ती हमको बिल्कुल नहीं मिल रहा जैसा हमको चाहिए। अब सिलवाने का टाइम तो है नहीं, तो जाते हैं फिर, आज लास्ट ट्राई देते हैं और ढूंढ के ले आए। तो हम लोग चलते हैं, ये हमने पानी ले लिया है क्योंकि यू नो ना, हमको कोई काम करने में बहुत देर लगता है, तो हमको शॉपिंग करने में भी उतना ही देर लगता है। अब जल्दी से वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो पहुँच गए हम लोग फिर से वही मार्केट, मम्मी का प्यारा मार्केट, ऊपर खाबड़ रोड वाला मार्केट, सस्ता मार्केट। हीरोइन बन के चल रही है मेरी माता जी हैं, ब्लैक जीन्स, रेड शर्ट, पापा बोल रहे थे एयर हॉस्टेस लग रही है। खड़ा हुआ था रोड, ये ज्वेलरी मंडी आज खाली है। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन, ये नहीं आगे वाला दुकान, ये सब रंग दुकान में, यही से मम्मी हमेशा लेती है। फोटो मंदिर है। एक घंटा से मार्केट में घूमने के बाद भी हमको कुछ पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि हम जैसा सूट सोच के आए थे वैसा मिल नहीं रहा है। आई डोंट नो हमको क्या लेना है, क्योंकि होली परसों है। खर्चा करवा दिया मेरी मम्मी का, तो मैंने कपड़ा ले लिया यहाँ सब रंग से, और अब मम्मी का कपड़ा लेने जाना है। उसके बाद हमारा होली का शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पापा तो कुछ नहीं है। खितान मार्केट के क्राउड से निकल कर आ गए हैं हम लोग कोलकाता बाजार गन्नू के लिए चड्डी लेने। चड्डी मतलब शॉर्ट्स, गलत मत समझेगा आप लोग, यहाँ आके भी देखे तो उतना ही भीड़ है, सांस लेने भर का भी जगह नहीं है कहीं पे होली के वजह से। हैप्पी होली आप लोग को। गन्नू का तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तो रास्ते में हम लोग सोचे कि उसके लिए जूस ले लेते हैं संतरे का, लेकिन मेरी जो मम्मी है वो कहीं भी फ्रेंडली हो के किसी से भी बात करने लगती है, और पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने लगती है उस इंसान का। देख लीजिए आप, जितना देर वो जूस दे रहा था उतना देर मम्मी गपास्टिंग कर रही थी। फिर जूस पीने के बाद आई रियलाइज कि संतरे बहुत खट्टे हैं। लोग तो पूरे वीडियो में यही सोच रहे होंगे कि गन्नू कपड़ा ले ली, हम कपड़ा ले लिए, तो मेरी मम्मी कपड़ा क्यों नहीं ली। तो मेरी मम्मी ले ली कपड़ा, उसको ये पर्स भी अच्छा लग रहा था, ये वाला, फिर ये वाला पर्स, गोला गोला सा जो पर्स है, ये हाँ यही यही, पता नहीं इसमें क्या आटेगा, बट उसको अच्छा लग रहा था। तो कपड़ा लेने के बाद हम लोग चलते हैं। मेरा शॉपिंग डन, मम्मी का शॉपिंग डन, पापा का शॉपिंग डन, पापा तो लेंगे ही नहीं, बचा क्या हमें, होली का सारा शॉपिंग डन हो गया, होली का सारा राशन का सामान डन हो गया, बस सब्जी बचा हुआ है वो अब कल आएगा। सुबह के 2 बजे से लेकर के अभी शाम के 7 बजे तक हम लोग बाहर हैं। सो हे गाइस, मैं घर आ चुका हूँ, और आप लोग देख सकते हैं ये जो झोला टांगने वाला काम हमी को मिलता है, एक तो सबको लाद कर मार्केट ले जाने वाला काम, ड्राइवर वाला काम भी मेरा, और फिर झोला टांगने वाला काम भी मेरा, सब बस रही इसकी तरह जाता है आ जाता है, और सारा काम हम करें। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एज यूजुअल, सो हैप्पी होली।